हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। टिहरी विधानसभा क्षेत्र के मेरे सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस महान धरती को, जिसका इतिहास हमारे उत्तराखंड के इतिहास का एक अभिन्न अंग है, राजशाही से लेकर विकासशाही तक टिहरी हमेशा अग्रगणी रहा है। संघर्ष से लेकर बलिदान तक टिहरी की कोई शानी नहीं है और उस सब की गाथा को अपने में समेटे हुए टिहरी का जलाशय, टिहरी झील, श्रीदेव सुमन के बलिदान की गाथा की झील अपने आप में हम सब के लिए आज वरदान सिद्ध हो रही है। आधुनिक उत्तराखंड की लेखनी को जो भी आगे बढ़ाएगा उसमें स्याही का रंग टिहरी के झील के उसी पानी से आएगा जिस पानी से आज हम उत्तराखंड की जवानी के भविष्य को संवारने की कल्पनाएं करते हैं या उसके लिए योजनाएं बनाने का काम करते हैं। यहाँ सारे सिद्धपीठ, माँ राजराजेश्वरी, माँ चंद्रबदनी, माँ सुरकंडा, माँ ज्वाला, माँ काली सभी यही निवास करते हैं। भगवान देवलशारी महादेव, भगवान नीलकंठ महादेव, भगवान चंद्रेश्वर महादेव अलग अलग स्वरूपों में यहाँ विद्यमान है। ये आज़ादी के अमर नायक श्रीदेव सुमन के क्रांतिकारी संघर्ष को और टिहरी प्रजा परिषद के संघर्ष को कौन भूल सकता है। हमारे गौरव गाथा के एक और महानायक वीर गब्बर सिंह भी इसी धरती के। मैं उन सभी शहीदों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने सीमाओं पर अपना बलिदान देकर हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का काम किया है। मैं टिहरी के उन सभी आंदोलनकारियों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने राज्य आंदोलन को बुलंदी तक आगे बढ़ाने का काम किया है। हम किसी से सहमत हों या सहमत न हों, मगर टिहरी का राज्य आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान रहा है। राज्य निर्माण के आंदोलन में टिहरी के हस्ताक्षर सबसे सशक्त रहे। यहाँ का चंबा शहर, नई टिहरी शहर, जाखणी धार, भागीरथमपुरम, कोटी कॉलोनी, अंजनी सैन, ये सब ऐसे स्थल हैं जिनमें उत्तराखंड का भविष्य चमकता हुआ दिखाई देता है। आज ऐसी एक विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री धन सिंह नेगी जी हैं। हमने, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में टिहरी का जो ऋण देश के ऊपर है, समाज के ऊपर है, उसको विकास की योजनाओं के द्वारा पत्रम पुष्पम की सेवा के रूप में हमेशा परोसा है, हमेशा पेश किया है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा, ज़रा गौर करके देखिए, कांग्रेस जब जब रही, जब जब सत्ता में आई, कांग्रेस ने टिहरी का ख्याल रखा है, टिहरी के विकास को परवान चढ़ाने का काम किया है। और आज जहाँ पर हम छोड़ करके गए थे विकास को, वो विकास वहीं पर कहीं पर रुका हुआ है। टिहरी के कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष राकेश राणा, पूर्व अध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट, नरेंद्र चंद रमौला और श्रीमती सुमन रमौला, हमारी छोटी बहन दर्शनी रावत, श्रीमती सीमा जी, बेबी अश्वाल जी, सोवन सिंह नेगी जी, आनंद सिंह बेलवाल जी, ज्योति प्रसाद भट्ट जी, विक्रम बेस जी, कुशलानंद भट्ट जी, कुंवर सिंह राणा जी, लक्ष्मी प्रसाद भट्ट जी, महावीर उनियाल जी, शोहन सिंह रावत जी, वीरेंद्र रावत जी, पीयूष उनियाल जी, विक्रम पंवार जी, अरविंद मोहन सकलानी जी, राजेंद्र नेगी जी, देवेंद्र नोडियाल, मोनू हमारा छोटा भाई, राजेंद्र डोभाल जी और मुशर्रफ अली, मुर्तजा बेग, याकूब सिद्दीकी, कुलदीप पवार, ये सब ऐसे नाम हैं जो अपने आप में कांग्रेस के झंडे को थामे हुए एक मजबूत सैनिक के रूप में हमारी विजय के रास्ते को प्रशस्त करने का काम करते हैं। इन्हीं हमारे स्तंभों के ऊपर टिहरी में कांग्रेस का भविष्य निर्भर करता है। मैं इन सब का आह्वान करना चाहूँगा, इनसे कहना चाहूँगा कि टिहरी की धरती इस समय पुकार पुकार करके कह रही है कि कांग्रेस को जिताओ, मेरे पुराने विकास के युग को वापस लाओ। इसलिए सबको एकजुट होकर के एक आवाज़ में कहना चाहिए कि टिहरी जीतो। और मैं भी आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ कि आप टिहरी जीतो के लिए कमर कसें। आज जब हम टिहरी की बात कर रहे हैं तो राज्य की स्मृतियां भी हम सबके पटल पर बिल्कुल चलचित्र की तरीके से उभर करके आ रही। सारे राज्य के अंदर विकास को वर्तमान सरकार ने बहुत परे रख दिया। ऐसा लगता है कि भाजपा का भी विकास से कोई वास्ता नहीं रहा। डबल इंजन की बात की, एक ठगी साबित हुई। वो ऐसा डबल इंजन जो केवल आवाज़ करता रह गया मगर धरती पर कहीं चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। जो विकास की योजनाएं कांग्रेस के समय में बनी थी, इन्होंने केवल उन योजनाओं पर अपने शिलापट लगाने का काम किया। जो अधूरी योजनाएं रह गई उनको इन्होंने पूरा नहीं किया, उनको आगे नहीं बढ़ाया। बहुत सारी हमारी योजनाओं को, जो जन कल्याण की योजनाएं थी, उन योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पलायन को रोकना एक बड़ी चुनौती के रूप में हो, जहां दूर दराज के गांवों के लिए कनेक्टिविटी, दोनों तरीके की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी, सड़कों की कनेक्टिविटी भी, आज भी एक बड़ी चुनौती है। हमने इन दोनों क्षेत्रों में काम किया और गांव-गांव तक सड़क पहुंचे। इसके लिए एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में, एक नए विचार के रूप में मेरे गाँव मेरी सड़क योजना प्रारंभ की, जिसको भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया। कल्पना करिए, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में, हिमालयी राज्य में कोई ऐसी योजना को बंद कर सकता है? आप पलायन रोकने की बात करते हैं, बिना खेती और उसके उत्पादों को बढ़ाए आप कैसे पलायन को रोक लेंगे? क्या आप कहीं से कोई ऐसा रेडीमेड मॉडल लेके आएंगे? भाजपा कहीं चीन में ऐसा मॉडल तैयार करवा रही है जिसको ला करके उत्तराखंड में लागू करेगी और पलायन को रुकवा देगी? ये काल्पनिक बातें। हमको धरती पर ही कुछ करके दिखाना होगा और इसीलिए हमने लोगों के श्रम को आदर करते हुए लोगों से कहा कि आप परंपरागत फसलों को बोइए, दलहन को बोइए, परंपरागत फलों को आगे बढ़ाइए और उसके लिए आपको अच्छे बीज, अच्छी टेक्नोलॉजी हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। उत्पाद आप बढ़ाइए, उसके लिए हम आपको मार्केट उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। हमने पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर प्रयोग के तौर पर कुछ मंडियाँ स्वीकृत की, जैसे मुंशियारी में, जोशी मठ में। हमने इस बात की कोशिश की कि किसान को प्रोत्साहित करने के लिए हम उसे कुछ बोनस दें उत्पाद पर, क्योंकि वहाँ खेती करना बहुत दुष्कर कार्य है। उसमें श्रम भी लगता है, पैसा भी लगता है। उसकी प्रतिपूर्ति हो सके कुछ सीमा तक, उसके लिए हमने मड़ुआ बोनस, झुंगरा बोनस, चौलाई बोनस, मिर्च बोनस, गहद बोनस, राजमा बोनस, कई तरीके के बोनस की योजनाएँ प्रारंभ की। एक पर्याप्त धनराशि हम देते थे ताकि किसान ये समझता था कि इतना तो मुझे मूल्य मिल गया, और वो बोनस को अपने लिए एक अतिरिक्त पुरस्कार समझता था। लोग ने मंडुए की खेती का रकबा बढ़ा दिया था। हमने सरकारी उपयोग में, सरकारी दावतों में मंडुए का समावेश करके मंडुए को एक मानित अन्न के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इंदिरा कैंटीनें खोली जगह जगह, जिनमें इन परंपरागत अनाजों के व्यंजन बना करके परोसे जाते थे। हमने अपने स्वास्थ्य विभाग के मैस में, पुलिस के मैस में भी मंडुए, गहत आदि अनाजों का उपयोग बढ़ाया। हमने चौलाई जैसे उत्पाद को अच्छा मार्केट मिल सके, उसके लिए रुद्रपुर में प्रोसेसिंग प्लांट लगाया ताकि चौलाई के भी अच्छे दाम मिल सकें। उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की नीति भी अपनाई हमने, और ये दोनों क्षेत्रों में अपनाई, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भी, जिसमें माल्टा, गलगल आदि सम्मिलित है, नींबू, और ये फसलों के क्षेत्र में भी हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया, उसको लागू करवाया, बोनस दिया। हमने खेती के साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो बद्री गाय थी, उसके लिए चंपावत के अंदर नरियाल गाँव में एक प्रोडक्शन फार्म विकसित किया ताकि बद्री गाय की जो नस्लें आएँ वो नस्लें पर्याप्त दूध दे सके, 3 लीटर, 4 लीटर, ताकि बद्री गाय पालना पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर लाभदायक सिद्ध हो। एक जैविक दूध और जैविक घी, कौन उसको नहीं खरीदना चाहेगा? हमने इसीलिए दुग्ध बोनस की योजना प्रारंभ की, दूध पर 4 रुपया लीटर बोनस दिया। लोगों को प्रेरित किया कि आप दूध के उत्पाद बनाइए, और मुझे खुशी है कई दुग्ध संघ जो पहले घाटे में चल रहे थे, हमारी नीति के परिणाम स्वरूप वो लाभ में आए और उन्होंने नाना प्रकार के प्रोडक्ट बनाने प्रारंभ किए। कुछ ने चीज़ बनाना भी प्रारंभ किया, जिसको मैंने कहा कि इसको आप दूर दराज की दुग्ध समितियों में भी लेकर के जाइए, मशीन हम सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे बाद आने वालों ने मंडुआ बोनस, से लेकर के घर आदि पर जो बोनस देते थे उसको बंद कर दिया, और दुग्ध बोनस भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। मुझे आश्चर्य होता है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में, हिमालयी राज्य के अंदर आप वृक्ष बोनस की योजना को बंद कर देंगे। मेरा वृक्ष मेरे धन योजना को भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया। हमने जल पर भी, क्योंकि पानी भी एक उत्तराखंड की शक्ति है, हम जल शक्ति बनना चाहते थे, इसलिए हमने जल संचय की योजनाएं बनाई। 10 बड़े और 10 छोटे, बहुत छोटे साइज के मैं जलाशय बना करके गया, और 2000 के करीब हमने जंगलों में इस तरीके के पानी रोकने के जलाशय बनाए, जिससे वहाँ के पशुओं को भी जंगल के अंदर ही पानी मिल सके और साथ साथ जंगलों में नमी बनी रहे और वहाँ चौड़ी बत्ती के वृक्ष वन पैदा हो सकें और उनका संवर्धन हो सके। हमने वृक्ष बोनस के साथ साथ जल बोनस देने की नीति भी बनाई। जल संस्थान को उसके लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया, भाजपा की सरकार ने उसको बंद कर दिया। जल बोनस की योजना को अमल में नहीं लाए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो लोग इस तरीके का कदम उठा सकते हैं, वो सरकारें कैसे उत्तराखंड का पलायन रोक सकती हैं। बिना रोजगार बढ़ाए आप उत्तराखंड का पलायन रोक सकते हैं, बिना धरती में कुछ किए आप पलायन कैसे रोक सकते हैं। हमने माल्टे, नींबू से लेकर के अखरोट तक पौधे लगाने के काम को प्रेरित किया। हमने अच्छी प्रजाति के वृक्ष भी लाए। हमने एप्पल मिशन लागू किया, हमने एप्रिकॉट मिशन लागू किया, चूलू मिशन लागू किया, कीवी मिशन लागू किया, ताकि हॉर्टिकल्चर में हम एक बड़ी ताकत बन सके और अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार हम हॉर्टिकल्चर का उत्पादन कर सकें, उसकी मार्केटिंग कर सकें। हमने हॉर्टिकल्चर की चीज़ों की खपत बढ़ाने के लिए, ताकि जो क्वालिटी सेब है वो बाजार में स्थान पाए, जो क्वालिटी फल नहीं है उस फल का कहीं और प्रसंस्करण हो सके, उसके लिए आबकारी नीति के साथ फल उत्पादन को जोड़ा। कहीं उस नीति एक मानसिक एक्सीडेंट का शिकार हो गई, अन्यथा हॉर्टिकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के अच्छे दाम मिलने शुरू हो जाते, तो उससे उत्तराखंड की वानिकी को एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता। खैर, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। हमने अपने सरकार के कार्यकाल में जहां लोगों को उत्पादन के लिए प्रेरित किया, हमने वहीं पर कुछ ऐसे उनको इनोवेटिव नए तरीके के आइडियाज़ दिए। हमने कहा चौड़ी पत्ती के वृक्षों के साथ साथ आप रेशेदार वृक्षों का भी, उनका भी संरक्षण करिए, उनको बढ़ावा दीजिए। उसको भी हमने वृक्ष बोनस की नीति के अंदर लाए। जो बर्तन बनाने के काश दे सकते हैं, जैसे सीमल का पेड़ है, गेठी का पेड़ है, उसको भी हम वृक्ष बोनस की नीति के अंदर लाए। अखरोट का पेड़ है, इनके काश की लकड़ी की कई तरीके के घर के उपयोग की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन आज उसकी बात नहीं हो रही है। जब हमने रेशा बोनस की योजना प्रारंभ की और रेशेदार वृक्षों के उत्पादन को बढ़ाया, जिसमें भीमल सम्मिलित है, रामबान सम्मिलित है, जिसमें कंडाली घास से लेकर के भांग के पौधे तक सम्मिलित है, क्योंकि इनके रेशे की बड़ी मांग है और इसमें रोजगार देने की बड़ी क्षमता छिपी हुई है। मैंने 2 करोड़ रुपया शुरुआत के दिनों में गांधी खादी उद्योग को दिए और उन्होंने जो उत्पाद बनाने शुरू किए, आज उन उत्पादों की मार्केटिंग करने का काम अमेजन जैसी कंपनियां कर रही हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की मांग है, क्योंकि हिमालयी प्रोडक्ट की मांग, यदि सरकार ठीक से योजनाएं बनाए तो हम जैविकता के आधार पर उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बकरी पालन योजना शुरू की। मैं जानता था कि जैविक मीट की मांग उसी तरीके से ज़्यादा होगी जिस तरीके से जैविक सब्जियों की है। हमको एक जैविक 2 तरीके के उत्तराखंड, एक जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ हम कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर की तरफ जाएँ, और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर हम सपोर्टिव एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, जिसको सरकार का संरक्षण हो, मगर इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हम उसको भी धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव बना सकें। इसलिए हमने जैविकता को प्रश्रय देने का काम किया और उसको ध्यान में रख करके ही योजनाएं बनानी शुरू की। आज उन योजनाओं की कहीं चर्चा नहीं हो रही, उस सोच की कहीं चर्चा नहीं हो रही। मैं आप सबसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, हमने अपने घोषणा पत्र में इन सब बातों का उल्लेख किया है। आप अपने गाँव में रुकें, दूर दराज के गाँव में रुकें। इसके लिए हम एक नई पेंशन योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम हमने कूड़ी बाड़ी पेंशन रखा है। आप हमारे घर को आबाद करिए, हमारी बाड़ी को आबाद करिए। राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार आपके लिए एक नई पेंशन लेकर के आएगी। हमने 18 तरीके की पेंशनें दी, जिनमें किसान पेंशन, पुरोहित पेंशन, महिलाओं के लिए 8-9 प्रकार की पेंशनें, बल्कि महिलाओं के हित में हमने एक परिवार में 2 पेंशनें भी मान्य की, जिसको भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया। हम सत्ता में आएंगे, फिर से 2 पेंशनें महिलाओं के लिए एक परिवार में मान्य होंगी और 3 प्रकार की नई पेंशनें प्रारंभ करेंगे, जिसमें से एक पेंशन शगुन गीत गाने वाली महिलाओं के लिए भी होगा। मंगल गीत गाने वाली बहनें जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं की गाथा को मंगलता का बोधक करवाती हैं, हमने उनको भी पेंशन योजना के अंदर जोड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनको भी पेंशन दी जाए। हमने 1000 की थी 200 रुपये से बढ़ाकर पेंशन, और आप सत्ता में आएंगे तो इन पेंशनों को बढ़ा करके हम 1800 रुपया करेंगे। जो हमारे विकलांग भाई हैं उनको, देश के अंदर दिव्यांगों को सर्वाधिक पेंशन राशि देने वाला राज्य उत्तराखंड होगा। हम 2500 रुपया मासिक पेंशन अपने दिव्यांग भाइयों को देंगे। मैं आप सब लोगों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि आप हमारे ज़रा सा घोषणा पत्र पर नज़र डालिए। हमारा घोषणा पत्र अगले 5 सालों के लिए विकास का एक दस्तावेज है, जिसमें हमने एक तरफ महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, महिला मंगल दलों के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दे करके ये कहा है कि महिला उद्यमिता के क्षेत्र में हम ऊंची छलांग लगाएंगे, जिसमें हमने 28 ऐसे रोजगार छांटे हैं जिनको प्रशिक्षण के बाद हमारे महिला स्वयं सहायता समूह बनाने का काम करेंगे। उनकी मार्केटिंग को सरकार संरक्षण देने का काम करेगी। हमने महिला पौष्टिकता में भी कहा है कि हम देश के अंदर नंबर 1 राज्य बनना चाहेंगे, जहां महिला पौष्टिकता सार्वभौम हो, बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक। मैंने वृद्ध महिला पोषाहार योजना शुरू की थी अपने कार्यकाल में, जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया था। अब हम उसको एक और बड़े पैमाने पर आगे संचालित करने का काम करेंगे। इन बातों को हमने अपने घोषणा पत्र में रखा है। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 100 यूनिट बिजली आपको मुफ्त देंगे। यह हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोरोना ने, नोटबंदी ने, उसके बाद जीएसटी ने हमारे छोटे छोटे उद्यमों को, छोटे छोटे काम धंधों को, जिसमें दुकानदार आदि भी सम्मिलित हैं। छोटे दुकानदार होते हैं, नाम दुकानदार है मगर काम बहुत छोटा सा होता है, उनको हम 100 यूनिट बिजली फ्री दे करके उनको उद्यमिता की तरफ फिर से अग्रसर होने के लिए कमर कसने का साहस देंगे। हमने कहा है कि यदि उद्यमिता को आप अपनाएंगे तो हम दूसरे साल 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का काम करें। हमने अपने घोषणा पत्र में, जिसको हमने उत्तराखंडी स्वाभिमान को समर्पित किया है, कहा है 4 धाम हजारों काम। मैंने अभी कहा ना आपसे कि हमारा जो घोषणा पत्र है वह अगले 5 सालों के लिए और उसके बाद अगले 10 सालों के लिए किस तरीके का उत्तराखंड बनेगा उसकी आधारशिला रखने का एक विजन डॉक्यूमेंट, एक दृष्टि पत्र भी है, जिसके माध्यम से किस तरीके से उत्तराखंड को संवारेगी कांग्रेस, उसको हमने इंगित करने का काम किया है। जब हम ये कह रहे हैं, आप सबसे 1000 वादों की बात कर रहे हैं, 1000 से भी ज़्यादा वादों की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा खर्च आता है। सवाल उठता है कि हम वो खर्च जुटाएंगे कहाँ से। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, वो खर्च जुटाने का साहस हम में है। 2013 में उत्तराखंड ध्वस्त हो गया था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। सारे पैरामीटर्स, जिसमें पर कैपिटा इनकम से लेकर के राजस्व वृद्धि दर, हमारी विकास दर, सब चीज़ें गिर गई थी। हमने संवारा और उसका परिणाम है कि हमने देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में हम पहले 3 स्थानों में आ गए थे। राजस्व वृद्धि दर में हम पहले 2 स्थानों में, कर्नाटक के बाद हम खड़े थे। जीडीपी में हम 11.5% की ग्रोथ दर्ज करके गए। ये अपने आप में एक बड़ा कारनामा है छोटे से उत्तराखंड के लिए, जहां सारी चीज़ें तहस नहस हो गई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, व्यापार चौपट हो गया था। जब उससे उत्तराखंड उबर सकता है, मुझे अपने लोगों की शक्ति पर, ताकत पर पूरा भरोसा है। मैं आपकी क्षमता पर, हमें गर्व है। ये आपकी ताकत थी, भगवान केदार का आशीर्वाद था कि असंभव संभव हुआ। और अब यदि आप सब कमर कस लेंगे तो जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, जिसको हमने उत्तराखंडी सम्मान के रूप में आपको प्रस्तुत किया है। हमारी प्रियंका गांधी जी आई थी अपनी नानी के तर्ज पर, उन्होंने कहा पिछले दिनों कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इंदिरा जी ने कभी कहा था गरीबी हटाओ, उसने सारी सोच बदल दी थी सरकारों की, हमारी नहीं, हमारे देश से बाहर भी सोच बदली। कई देशों ने अपनी इकोनॉमी को उस ढर्रे पर खड़ा किया जहाँ गरीबी से लोगों को बाहर निकाला जाए। उससे कई अर्थव्यवस्थाएं सक्षम हुई, हमारी अर्थव्यवस्था भी उससे सक्षम हुई। प्रियंका जी ने समय की नजाकत के अनुसार लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो उद्घोष किया, वो अपने युगांतकारी उद्घोष है। मैं उसके लिए प्रियंका जी आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो उनसे हमने अपने घोषणा पत्र को इसलिए समर्पित करवाया क्योंकि उत्तराखंड के अंदर नारी शक्ति है, नारी ताकत है जो उत्तराखंड को फिर से तेजी के साथ विकसित राज्य की ओर लेकर के जा सकती है। भाजपा ने जिस अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है उसको संवारने की शक्ति भी हमको अपनी शक्ति स्वरूपा माताओं से, आप सब बहनों से प्राप्त होगी, भाइयों से प्राप्त होगी। हमने उस पर भरोसा करके कहा है और हम संकल्पबद्ध है कि हम उन कामों को पूरा करेंगे। मैं खाली बानगी के तौर पर, जिस तरीके से कभी कोई पतीली से चावल निकाल करके महिला देखती है ना पक गया है या नहीं पक गया, आप देखती हैं, हमने भी ये तय किया है कि हम भी उसी तरीके से हमने आपके सामने हम चार बातें कह रहे हैं जिनको हमने कहा है। चार धाम को हम चार पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उसमें पहला पुष्प है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे गांव गांव द्वार द्वार। स्वास्थ्य सेवाएं आज चौपट है, शिक्षा व्यवस्था आज चौपट है। हम प्रायोरिटी देंगे स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके, जिसमें ड्रोन टेक्निक भी सम्मिलित है, टेलीमेडिसिन सर्विसेज सम्मिलित है, मोबाइल वैन की सर्विसेज सम्मिलित हैं, सर्जिकल कैंप आदि का आयोजन, और अपने मेडिकल ग्रास रूट सिस्टम को और मजबूत करके इस काम को हम पूरा करने का काम करेंगे। हमने दूसरे पुष्प के रूप में आपसे कहा है कि बहनों और भाइयों, हम 5 साल में 4 लाख रोजगार, 57,000 जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उनको भरेंगे, जिनमें 3,000 पद पुलिस के भी हैं, 1,800 लड़के, 1,200 लड़कियों। हमने पहले भी 1,000 लड़कियों को पुलिस कांस्टेबल और 250 लड़कियों को पुलिस सब इंस्पेक्टर बनाया था। वो नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में हम फिर से पुलिस के अंदर बड़े पैमाने पर अपनी बेटियों की भर्ती खोलेंगे। हम हर साल 10% नए पद सृजित करने का काम करेंगे और उसको समावेशित करके हम स्वरोजगार और दूसरे माध्यमों से लगभग स्थायी नेचर के 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे। एक बड़ा संकल्प है, लेकिन हमने इसके लिए एक रोड मैप बनाया है। संसाधन कहाँ से आएंगे, उन संसाधनों को जुटाने का काम किया है। इसीलिए हमने अपने घोषणा पत्र का एक पूरा चैप्टर संसाधन संवर्धन को समर्पित करने का काम किया है, ताकि हम संसाधन संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम कर सकें। मेरा आप बहनों भाइयों से आग्रह है कि हमें ट्रायल दें ताकि हम इस बड़े संकल्प को पूरा कर सकें। रोजगार मूलक राज्य के रूप में हम हर सरकारी काम में जहां पैसा खर्च होगा ये सुनिश्चित करवाएंगे सचिवों से कितने नए रोजगार ये पैसा पैदा करने का काम करेगा। रोजगार हमारी दृष्टि होगी। तीसरा संकल्प हमने लिया है, चौपट अर्थव्यवस्था में नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद कोरोना, कुछ दैब ने मारा, कुछ सैब ने मारा। कुछ पहले ही गरीब थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, और कुछ को जो है सैब ने, वर्तमान भाजपा की कुनीतियों ने गरीब बनाने का काम कर दिया। आज वो अपने लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे। हमने कहा है कि ऐसे 5 लाख, ये संख्या बढ़ भी सकती है, 5 लाख ऐसे परिवारों को हम हर साल देंगे रुपया 40,000। और चौथा पुष्प जो हमने आपको अर्पित किया है वो एक छोटे गीत के रूप में किया है। बनाओ बनाओ कांग्रेस सरकार, बनाओ बनाओ कांग्रेस सरकार, लाओ लाओ कांग्रेस सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 रुपये के पार। जब से भाजपा सत्ता में आई है हर वर्ग की आमदनी घटी है, मगर देश के अंदर 10,000 लोगों की आमदनी कई कई गुना बढ़ी है। अम्बानी और अडानी में आज दुनिया का सबसे बड़ा मालदार कौन हो, पहले इसकी होड़ लगी हुई। ये किसकी नीतियों का परिणाम है, किसके घर में जा रहा है ये गैस के बढ़े हुए दामों का पैसा, पेट्रोल डीजल के दामों का बढ़ा हुआ पैसा? आप उस नाम को जानते हैं अम्बानी जी के नाम से। तेल का व्यापारी कौन है देश का सबसे बड़ा? अडानी जी, गुजरात के भाई हैं। तो आज एक कैसी सरकार है जो केवल अमीरों को अमीर बनाती है मगर गरीब को और गरीबी में धकेलने का काम करती है। आज उत्तराखंड के अंदर यदि आपने भाई और बहनों एक चोट दे दी भाजपा को, आपने 50 सीटों पर भाजपा को हरा दिया, तो महंगाई से सारे देश को राहत मिल जाएगी। आपने यदि रास्ता दिखा दिया तो आपके रास्ते पर हिंदुस्तान चल पड़ेगा। हम छोटे राज्य हो सकते हैं, 2002 में भी हमने रास्ता दिखाया था, जिससे मनमोहन सिंह जैसे अद्भुत अर्थशास्त्री के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी और हमारी अर्थव्यवस्थाएं कुलाचे मार करके ऊपर की तरफ बढ़ी थी। और मुझे विश्वास है इस बात का कि इस बार भी आप वो इतिहास कायम करेंगे। हम फिर आपको एक कितना सक्षम प्रधानमंत्री देंगे जो नए भारत की रचना को आगे बढ़ाने का काम करेगा, आप सबको गौरव प्रदान करने का काम करेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में अपने पूर्व सैनिक भाइयों से कहा है कि हम देश के अंदर उनको सर्वोच्च सुविधाएं देने वाले राज्य होंगे। हम अपने अर्धसैनिक बलों के लिए भी वही सुविधाएं जुटाएंगे जो हमने अपने भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान की हैं। पुलिस के रिटायर्ड कर्मियों के लिए भी हम उनकी समस्याओं का अध्ययन करके कि उनको भी कुछ सुविधाएं देने का काम करेंगे। शहीद होता है, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, हम उनके परिवार को, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए शहीद हों, आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हुए हों या सीमा पर शहीद हुए हों, हम उनको सरकारी नौकरी देंगे, उनके आश्रितों को 25 लाख रुपया ऐसे शहीद के परिवार को सम्मान के रूप में देंगे। हम सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम खेलकूद को भी बढ़ावा देंगे। अपने घोषणा पत्र में खेलकूद विश्वविद्यालय बनाने से लेकर के गांव-गांव में किस तरीके से हम खेल मंडल बनाएंगे, उनको प्रोत्साहन राशि दे करके उनको उत्साहित करने का काम करेंगे। भाजपा ने लोगों को नशे की तरफ धकेलने का काम किया, हम उनको उत्साह से बाहर खींच करके खेलो उत्तराखंड के नाम से खेल की नीति बना करके सबको प्रोत्साहित करेंगे। एक उत्साह का वातावरण का संचार करने का काम करेंगे। हम किसी भी वर्ग, हमारे दलित वर्ग के हमारे शिल्पकार भाई, मैंने उनके लिए शिल्पी पेंसिल प्रारंभ की थी, वो हमारे रचनाकार हैं। हम अपने परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देंगे। उसके लिए अल्मोड़ा में हमने मुंशी हरिप्रसाद जी के नाम से जो संस्थान स्वीकृत किया था, जिसका भवन निर्माण का काम हमने प्रारंभ कर दिया था, जिसको भाजपा की सरकार ने पैसा नहीं दिया है, हम उसको पूरा करेंगे और परंपरागत शिल्प को हम ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाने का काम करेंगे। हजारों लोगों को रोजगार देने में सक्षम अपने शिल्प को, अद्भुत शिल्प को हम मरने नहीं देंगे। हम अपनी कला और संस्कृति की भी रक्षा करने का काम करेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने भू कानून, जो कांग्रेस के समय से नियम था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता, इन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया और आज सारा उत्तराखंड एक नया भू कानून मांग रहा है। उत्तराखंड के भाई और बहनों, मैं आप सबसे जो मेरी बातें सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक पूर्ण ऐसा कानून लाएंगे जो जमीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त को भी रोकेगा और साथ साथ विकास को भी ग्रोथ देने का काम करेगा, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी भी सम्मिलित होगी। हम नई ऐसी नीति बना करके, ताकि हम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर दोनों को लाभकारी बना सकें, उसमें भू कानून को हम एक अस्त्र के रूप में उपयोग करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे ध्यान में हैं। जब हम इन बातों को कहते हैं तो हम गैरसैंण को नहीं भूलते हैं। गैरसैंण हमने विधानसभा भवन बनाया, सचिवालय के लिए 57 करोड़ रुपया छोड़ करके गए, सारी चीज़ें तय कर दी थी। अवस्थापना निर्माण निगम का भी गठन कर दिया था, जिसको इन्होंने गड्डी में डाल दिया। हमने निर्माण एजेंसी तय कर दी थी, पैसा दे दिया था उनको, इन्होंने उस पैसे को न जाने कहाँ खर्च कर दिया। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, फिर से गैरसैंण के अंदर निर्माण के काम प्रारंभ किए जाएंगे। सचिवालय और दूसरे अवस्थापना के कार्यों को हम गति देने का काम करेंगे, ताकि आपकी भावना के स्तर पर राज्य की राजधानी बन सके। हम इन सारे सवालों का, जिनमें सड़क, बिजली, पानी आदि है, उन सबको समझते हैं। कांग्रेस ने हमेशा जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को विकसित करने का काम किया है। हमारे समय में चमचमाती सड़कें आज गड्ढों में परिणित हो चुकी हैं। नए मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस के एक बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि वो सड़कों को पहले सुधारे, ताकि गति मिले, परिवहन को गति मिलेगी, आवागमन को गति मिलेगी, तभी तो अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। हम विद्युत क्षेत्र में भी सुधार लाएंगे, नहीं तो कहाँ से 200 यूनिट बिजली फ्री जुटाएंगे। हम ये सारी चीज़ें हमारे सामने चलचित्र के तरीके से है कि हमको क्या करना है, मगर एक बात हमारे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। वो है कांग्रेस को शक्ति देना, कांग्रेस को इस लायक बनाना कि उसकी सरकार बन सके, उसका मुख्यमंत्री बन सके। आप एक काम अपने हाथ में लीजिए और जो 1000 काम हमने कहा है, 4 धाम 1000 काम, उनको सार्थक करने का, उनको पूरा करने का काम हम करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार को विजयी बनाइए, भारी बहुमत से विजयी बनाइए। हम आपकी कल्पनाओं को साकार करेंगे। आप हमारी कमर को कसने में मदद करें, हमारी पीठ पर अपना हाथ रखें, हमारे सर पर अपना हाथ रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडिया। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।